100% लोगों को 10वीं पास बनाने का सपना लिए आ रहे हैं हमारे अगले पिचर शार्क से इन्वेस्टमेंट की आस लिए। आइए देखते हैं क्या शार्क्स करेंगे इनके मिशन में इन्वेस्ट। नमस्ते शार्क्स, हम दोनों एक छोटे से गांव से हैं। नजदीक में स्कूल ना होने के कारण माँ बाप खासकर हम लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते। पढ़ लिख करके क्या करोगी, घर का काम सीखो, आगे चल के यही करना है। और पापा कहते हैं खेत पे आओ, काम सीखो, आगे तो यही करना है ना। पर हमको पढ़ना है, हम क्या करें। हाय शार्क्स, आई एम विकास फ्रॉम मुंबई, 50, वेरी यंग। हाय, आई एम लीना, हिज वाइफ, यंगर। और हम लाए हैं स्कूल आपके पॉकेट। We are here to raise 1.5 crores in exchange of 3% equity of our company. हमारे देश में 8 लाख प्राइमरी स्कूल हैं, जिसके मुकाबले में केवल 4 लाख मिडिल स्कूल हैं और 1.5 लाख सेकेंडरी स्कूल हैं। एवरेज अटेंडेंस इन सेकेंडरी ग्रेड इज ओनली 50%। क्या आपको पता है 100 में से केवल 30 बच्चे 10th पास करते हैं? क्या कोई सलूशन है? हमें लगा अगर ये बच्चे स्कूल नहीं आ सकते तो क्या टेक्नोलॉजी को यूज करके हम स्कूल को बच्चों तक ले जा सकते हैं। और जन्म हुआ आज विद्यालय का, एनी टाइम एनीवेयर स्कूल। ये एकदम रियल स्कूल की तरह है। हमारे ऐप में सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस, टेस्ट, रिपोर्ट कार्ड और तो और पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी एकदम रियल स्कूल की तरह है। और हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, तो अगर वो बोलते हैं 200 क्लास होनी है तो हमारी भी 200 क्लास होती है। लेकिन आप ये बताइए कि जिन बच्चों तक हम पहुंचना चाह रहे थे, क्या उनके पास खुद का डिवाइस, स्मार्टफोन, लैपटॉप था? नहीं। फिर सोचा कि जब हमारे पास फोन नहीं होते थे तो हम एसटीडी पीसी हो जाते थे, जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था तो हम साइबर कैफे जाते थे। इसी सोच के साथ जन्म हुआ आस विद्यालय एजुकेशन कैफे। एजुकेशन कैफे में हम टैब्स लगाते हैं जिसमें केवल आस विद्यालय की क्लासेस चलती हैं। आसपास के गांव के बच्चे जब समय मिलता है यहां पे पढ़ने आते हैं। आस विद्यालय पहुंचा रहा है स्कूल हर घर तक, क्योंकि क्या पता हमारी अगली कल्पना चावला या अब्दुल कलाम इनमें से ही कोई हो। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। yes. आपको एक पूछना था कि प्रोडक्ट का भी प्राइसिंग है, ऐप का अलग से प्राइसिंग है और कैफे का फिक्स कॉस्ट, एक जगह होती है उसका यूसेज का अलग प्राइसिंग है, तो रेवेन्यू मॉडल मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। राइट, तो वर्टिकल पहले हमारा B2C से स्टार्ट हुआ था, बट बाद में रियलाइज हुआ कि B2C में जाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी एंड द रीच। फिर सेकंड वर्टिकल जो हमने क्रिएट किया वो हमने कॉर्पोरेट को अप्रोच किया, जिनके प्लांट लोकेशंस आर जनरली इन स्मॉलर टाउन्स, विलेजेस एरिया में। आज की तारीख में 5 कंपनीज हैं जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सो कॉर्पोरेट पेज अस, ओके, हम लोग उनके प्लांट लोकेशन पे कैफे सेटअप करते हैं। हमारा काम इज नॉट टू सेल टैब्स, टैब्स आर ऑल थर्ड पार्टी, वी डू ऑल कॉस्ट टू कॉस्ट सेटअप ऑफ दिस कैफेज। अच्छा एक क्वेश्चन, जब मैं मेरी वाइफ के साथ होता हूँ तो सिर्फ वो बोलती है, मैं तो बोल ही नहीं पाता, यहाँ पे उल्टा कैसे चल रहा है? वो बोला उन्हें मुझे बोलने के लिए। वेरी गुड आंसर, शी इज गिवन यू परमिशन। यस यस, शी टोल्ड टू बोलो। आपका बैकग्राउंड क्या है दोनों का, जरा हमको समझाएं। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ, इन ओल्ड सिटी। माय पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड, छोटा सा बिजनेस था उनका, फादर का। वो आए एक दिन तो मैं गली के बच्चों के साथ कंचे खेल रहा था, मेरे को म्यूनिसिपल स्कूल में डाल दिया था इन दैट नर्सरी क्लास। घर के अंदर आए, मम्मी को बुलाया और बोला मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो इसको हम अच्छे से स्कूल में डालेंगे। उन्होंने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में डाला। 12-13 साल जो मैं कॉन्वेंट स्कूल में रहा, वो एक बार भी स्कूल नहीं आए, बोले मुझे अंग्रेजी में बोलना नहीं आता। मेरे फादर जैसे, वो भी नहीं बोल पाया। तो ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को समय समय पर सही राह मिलती रही। किसी ने बोला इंजीनियरिंग कर लो तो IIT रुड़की से इंजीनियरिंग कर लो। लग रहा था। फिर किसी ने बोला मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ, तो आई वेंट इनटू IIM लखनऊ आफ्टर। अच्छा जी। एंड 20 इयर्स इन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में क्या किया? I was in sales and marketing, business head. तो distribution मतलब आपको समझ में आता है? Yeah. Very. Okay. I'm also born and brought up in a small town called Kanpur. I have done child psychology. We have one son. So उसको ही grow करना, अपना child psychology पूरा अपने बच्चे में ही लगाया। विकास जी, लीना जी, और कोई भारत में ऑनलाइन स्कूल नहीं चला रहा है? आपने शुरू में एक चीज बोली कि this is the first online school. मैं आपको बताता हूँ difference. If you divide India into 4 at a pyramid level, L1, L2, L3, L4. If you divide India into 4, a lot of it will be Hindi. तो इसलिए आप हिंदी में बोलिए। हाँ, sorry.
तो और आप तो मीरठ और कानपुर से हैं, हाँ। तो आपकी हिंदी सुनने में मजा आएगा। हाँ, ये तो है, ये तो नहीं, ज्यादा ज्यादा वाली मत सुनिए। मीरठ वाली L1 जो है वो अमीर लोग हैं, टॉप 5%। सही। ओके, तो जितना भी एडटेक मैंने देखा वो सब अमीरों को फोकस कर रहा था। जो गवर्नमेंट है वो L4 को फोकस करती है, ओके, विच इज द बॉटम 50%। क्यों? क्योंकि हमको सबको लिटरेट बनाना है और लिटरेट बनाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन गुड इनफ। तो बीच की जो 45% पॉपुलेशन है ना, टोटल भारत बोलते हैं जिसको, जी, पैसे 20-30 हजार रुपए कमाते हैं महीने का। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, बट या तो आसपास स्कूल नहीं है, तो या पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं आते हैं, तो उसको सॉल्व कौन कर रहा है उस प्रॉब्लम को? तो हमने कहा ट्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो स्कूल ही नहीं मिल रहा है। स्टार्ट किया हमने CBSE इंग्लिश मीडियम NCERT करिकुलम से, फिर हमको डिमांड आया महाराष्ट्र का, तो हमने 2021 जनवरी में वी लॉन्च्ड मराठी मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड, और हम ग्रेड 6-10 ही है, हमेशा ग्रेड 6-10 ही रहेंगे। बहुत ही रेयरली मुझे दिखता है इतना क्लैरिटी ऑफ पर्पस, तो बहुत ही, क्योंकि सारा चैलेंज वहीं से शुरू होता है ना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हमारी हाउस हेल्प है, तो वो बच्चे ने स्कूल पर जाना छूट गया था, उसको क्लास 7 में उसके पेरेंट्स ने स्कूल बंद करा दिया। अभी जो 18 साल की जब वो हुई तो बोलती है, दीदी अभी मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? ऐसे आप पढ़ सकते हो, उसके पास स्मार्टफोन था, उसको मैं बोला आप ऐप डाउनलोड करो, आप बिलीव नहीं करोगे, क्लास 8 उसने कंप्लीट किया, उसने ओपन स्कूल में जाकर के एग्जाम लिखा। 10th का एग्जाम देने के बाद वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि नहीं दीदी मुझे तो आगे पढ़ना है, एंड नाउ शी इज फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कर रही है वो। वाओ, फैंटास्टिक स्टोरी, फैंटास्टिक। मेरे को IIT IIM वालों से बहुत डर लगता है। ओके, मैं खुद भी IIT IIM गया था। ओके, अगर आपके पास बहुत कंफर्ट होता है गिरने में, तो कई बार आपको ना गिरने का मजा भी आता है, आपको लगता है ठीक है कुछ ट्राई करते हैं, चल गया तो चल गया, वरना तो 1-2 करोड़ की नौकरी पड़ी है मेरे पास, मैं वापस जाके किसी भी जगह नौकरी उठा लूंगा, कर लूंगा। तो मेरे को आपका मोटिवेशन समझना है, आप ये कितने साल से कर रहे हैं, आपने अपना कितना इसमें सैक्रिफाइस किया है, और अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो आप ये कितने टाइम तक और चलाएंगे? ओके, वी स्टार्टेड इन 2017, तो 4 साल हो गए। एज फार एज गोइंग बैक टू द जॉब इज कंसर्न्ड, वो इनको पता है, मैंने पहले ही बोल दिया था आई हैव बर्नड ऑल माय बुक्स, अभी जो है यही करना है, PF सब निकल गया है, अब सैलरी आने के बजाय जा रही है, टफ है। तो वो दैट इज द डिफरेंस। और इसमें इन्वेस्टमेंट किसने करी है और कितनी इन्वेस्टमेंट हुई अभी तक? फ्रेंड्स और हम सब ने मिलकर करीब 1.5 करोड़ रुपए लगाया, और 50 लाख रुपए हमको सीड फंड में आया थ्रू निधि। तो आज आपके पास कंपनी में कितनी इक्विटी है, आपके फ्रेंड्स के पास कितनी इक्विटी है, और निधि के पास कितनी इक्विटी है? निधि हैज गॉट 7%। ओके, और हमारे पास बिटवीन मी एंड द अदर डायरेक्टर, द अदर फ्रेंड, सो वी हैव गॉट अबाउट 70%, बाकी फ्रेंड्स के पास 23%। तो आपका ये प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया 10th तक पढ़ाएंगे, करेक्ट? यस। आप इसमें पैसा बनाने के लिए या इसके लिए या दोनों के लिए? नो, वी आर हियर टू बिल्ड अ बिजनेस, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि यू कैन डू अ बिजनेस फॉर चैरिटी। इस बिजनेस में आपने जो मॉडल CSR का मॉडल है उससे पैसे आते हैं, वो आते रहेंगे तो सही बात है। D2C में आप जाना चाहते हैं? यस। जिसका मॉडल अभी तक पता नहीं है क्या है, क्योंकि वो मॉडल आपने अभी तक ट्राई नहीं किया, 100% रेवेन्यू यहाँ से आता है, क्योंकि हमने वहाँ पे, हाँ, हमने ज्यादा आपका यहाँ पे नहीं, हमने एक मिनट ट्राई किया है, हाँ, लेकिन वो अभी वो तक रीच चला नहीं कर पाए, बिकॉज सीड डिडंट हैव इनफ मनी, टू इज डिवाइसेस का पेनिट्रेशन उतना नहीं था जितना हमने सोचा था, ठीक है। बट अगर वो मॉडल में आप जाओगे जिसमें अपग्रेड, बायजूस, अनअकैडमी सब लोग कर रहे हैं, वो रीच कर रहे हैं टॉप को, आप नीचे करोगे, उनको भी बिजनेस आता है, वो इसलिए नहीं कर पा रहे, क्या पता पैसा ना आता हो। तो मुझे ये बिजनेस मॉडल जरूरी नहीं है सर, हाँ मैं समझ गया, बट मुझे ये बिजनेस मॉडल अभी तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाइज नहीं समझ आया। तो क्या आप आउट हो? मैं अभी तो आउट हूँ, लेकिन मैं शायद फिर ही ना जाऊं अगर आप लोग कन्विंस हो जाओगे। मुझे क्या लग रहा है ना कि आप दोनों का जो जोश है, पर्पस है इसके लिए, ये इतना ऊंचा है कि आपको परस्यू करना चाहिए, लेकिन आपको बड़े मायने पे फंडिंग नॉट थ्रू प्राइवेट but more and more CSR and more grants and then you can also draw a very good salary from them. Lekin private funding at least jahan tak main hu meri taraf se na hai, main hu out. ek sawal hai aapse ki abhi salana kitna revenue hai? Last year 70 lakh kiya tha, इस साल रन रेट इज 1.5 करोड़, वी ऑलरेडी साइंड 15। आगे प्रोजेक्शन क्या है? 5 करोड़। चलो आपको एक ऑफर देते हैं। ओके,
जो आप प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं और जो क्लैरिटी है आपके पर्पस का, वो बहुत ही जबरदस्त है। दूसरा, आप एक ऐसी मार्केट पे आज फोकस कर रहे हैं जिस पे अभी कोई फोकस नहीं कर रहा है। हम समझ रहे हैं कि ये मार्केट शायद आज लोगों के लिए एक्साइटिंग नहीं है, पर ये जरूरत है। Correct. मुझे पर्सनली ये लगता है कि टेक्नोलॉजी आपका बैरियर रहेगा सबसे बड़ा, जिसमें अश्नीर और मैं आपकी काफी मदद कर सकते हैं। okay. नमिता जो है, इनका एडटेक का बैकग्राउंड है, right. उसमें आपका मदद हो सकता है। तो तीनों मिलके हम आपका ये बिजनेस जो है इसको सस्टेनेबल बनाने में कोशिश करेंगे, इसको बड़ा करने में। हमारा ऑफर जैसे आपने मांगा था 1.5 करोड़ रुपए देंगे, हम बदले में 15% इक्विटी लेंगे, 5-5-5% तीनों शार्क्स लेंगे। थैंक यू फॉर द ऑफर शार्क्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं तो एक के लिए आया था, तीन तीन मिल रहे हैं। क्योंकि तीन लोग साथ में आएंगे, केवल एक थोड़ा सा छोटा सा मेरा एक काउंटर ऑफर है, अगर आप 7.5% पे तीनों लोग आ जाते हैं तो विल बी वेरी हैप्पी। हमने एक्चुअली मैथ करी नहीं है। हाँ। भी आपका जो ब्रांड है ये, इसको यूथ अपीलिंग ब्रांड बनाना पड़ा है कि बच्चों को पसंद आए ये ब्रांड। अभी आपने ये जो ब्रांड है ये पेरेंट्स को या कॉर्पोरेट को पसंद आ सकता है, बच्चों के लिए नहीं है ब्रांड। तो मेहनत बहुत है। Can you make it 10%? No, ये नॉन नेगोशिएबल है, सॉरी। और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे आपने मांगा था 1.5 करोड़ रुपए देंगे, हम बदले में 15% इक्विटी लेंगे। आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए, अपना टाइम लीजिए इसमें। नो प्रेशर। सी वी वैल्यू यू गाइस मच मोर देन द मनी। पैसे का एक्चुअली कभी भी ये नहीं सोचा था हमने कि पैसे नहीं। और हम भी मिशन को ही वैल्यू कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो हाँ या ना? सो लेट्स हैव अ डील। Ashneer, check ready Fantastic. आपका? Check ready कर लीजिए। So thank you very much. You are doing excellent work. I think purpose, clarity, बहुत ही बढ़िया है। ये आपके लिए। ये इन्हीं दी। For motivating, young है, purpose बहुत clear है। I think भारत के लिए है ये। I'm missing my son terribly. We are so excited. Actually, our son introduced us to Shark Tank. अच्छा। ना अभी देख रहा होगा। तो उसको जब आसिम ने शुरू किया। And he's so proud of you, I'm sure. Congratulations. We are very excited. Thank you. Thanks, sir. मिल गए शार्क सक्सेस। Yeah.